इधर अमेरिका से तनातनी के बीच रूस ने दुनिया को परमाणु हमला करने की ताकत दिखाई है। साथ ही रूस ने कई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी लॉन्च की। जब दुनिया में चारों तरफ एक देश दूसरे देश को अपनी ताकत दिखा रहा है, रूस ने एक साथ मिसाइलों की बारिश कर दी है। इसके साथ ही रूसी सैनिकों ने दुनिया को परमाणु हमले करने की भी ताकत दिखाई। बैरेंट्स सी में परमाणु पनडुब्बी करेलिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया गया। कई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें लॉन्च की गई। बम वर्षक विमान TU-160 और TU-95 से मिसाइलें दागी गई। रूस ने बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन किया है। रूस ने ऐसे वक्त में अपनी ताकत दिखाई है जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, चीन भी अपनी ताकत दिखाने की हर दिन कोशिश कर रहा है। और मिडल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मिडल ईस्ट में यूएस ने B-52 बॉम्बर भेजे। यूएस बॉम्बर को सऊदी के विमान ने स्कॉट किया है। सऊदी एयरफोर्स के F-15SA ने B-52 को स्कॉट किया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी बॉम्बर को सऊदी विमान जो कि स्कॉट कर रहे हैं, सऊदी एयरफोर्स के F-15SA ने B-52 बॉम्बर्स को स्कॉट किया है। ईरान से खतरे को देखते हुए मिडल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से ये बॉम्बर भेजे गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 5 बजे होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस भवन का उद्घाटन करेंगे उसमें कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के अलावा चार धाम और लद्दाख यात्रियों को भी इस भवन की सुविधा मिल सकेगी। कैलाश मानसरोवर भवन 9000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। इस भवन को तैयार करने में 70 करोड़ का खर्च आया है। इस भवन में 300 कैलाश मानसरोवर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बनाए गए प्रदेश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन को जल्द ही यात्रियों के लिए खोला जाएगा। आज शाम 5 बजे सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे। और पीएम मोदी आज वर्चुअल तरीके से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान उद्योग जगत की कई हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिक्की की 93वीं एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करेंगे। वहां मोदी प्रेरित भारत बनाने में उद्योग जगत की भूमिका पर अपने विचार और विजन साझा करेंगे। पीएम मोदी फिक्की की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम फिक्की वार्षिक प्रदर्शनी 2020 का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां, राजनयिक और बिजनेस एक्सपर्ट शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी के प्रभाव और सरकार द्वारा सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों और आगे के विकल्पों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।